और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और परेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। परफॉर्मेंस देश में तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन प्रदेश अछूता रह गया। एक सीट पर ही आप लोग निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, बाकी 10 सीटों पर या तो पिछड़े हुई है कांग्रेस पार्टी और या फिर हार चुकी है। जिस प्रकार से परफॉर्मेंस देश में बहुत अच्छा हो गया है, उसी प्रकार से आदरणीय पांडे जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला 1 घंटा बती महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर हमारा भी चिंतन एवं मनन चल रहा है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर कांग्रेस कायम थी है और रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इन आंकड़ों में बदलाव आएगा। लेकिन अगर मैं देशव्यापी बात करूं, तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने कार्य किया है, जिस प्रकार से जनता जनार्दन के मुद्दों को जनता के बीच में लेकर गए हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, उन पर सब में कहीं ना कहीं मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। और अभी विष्णुदेव साय जी कह रहे थे कि मोदी का मैजिक छत्तीसगढ़ में चला है, तो एक बार उनसे ये पूछ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में चला है, मध्य प्रदेश में चला है, यूपी में क्यों नहीं चला, या बाकी के अन्य राज्यों में क्यों नहीं चला, बंगाल में क्यों नहीं चला, या कर्नाटक में क्यों नहीं चला, केरला में क्यों नहीं चला, बाकी की जगहों पर क्यों नहीं चला। तो मैजिक से कुछ भी नहीं होता मान्यवर, यह लोकतंत्र है। कांग्रेस बार बार कहती है लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही भगवान होती है, वही एक राज्य में आपको जिता देती है और वही एक राज्य में हरा देती है। व्यक्तिवाद की राजनीति हिंदुस्तान का लोकतंत्र कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह पिछले 10 साल में, विगत 10 साल में हिंदुस्तान की जनता ने इस बात को बता दिया। जिस प्रकार से कांग्रेस और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के ऊपर कांग्रेस मोहर लगा के जनता जनार्दन ने दिया है, इसमें यह स्पष्ट किया है कि जो मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत करने पर पहुंच गए, पहुंच आमादा हो गए थे, वो आज कहीं ना कहीं अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए, प्रधानमंत्री की सीट बचाने के लिए बार बार फोन कॉल्स कर रहा है और हपका बपका होते जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की तासीर है। हिंदुस्तान किसी आरएसएस की पुस्तक से नहीं, वरन हिंदुस्तान लोकतंत्र उन मूल्यों की, संविधान की रजक पुस्तकों से चलता है। इस बात को बीजेपी को आज भी समझ लेना चाहिए। चलिए समझते हैं और परेश जी का रुख करते हैं। परेश जी, प्रदेश में अभी 10 सीटों पर आप लोग हैं निर्णायक भूमिका में, कई सीट आप लोग जीत भी चुके हैं, एक सीट पर पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये जो देश के आंकड़े हैं, ये तो आप लोगों ने नहीं सोचे होंगे कि ऐसे आंकड़े भी देखने पड़ेंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें, मैं जो यहाँ के प्रदेशवासी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और देशवासियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि वो फिर से मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपना मतदान किया है। निश्चित रूप से हम जो टारगेट चाहते थे कि इतना हमको सीट मिलना चाहिए, उतना हमको नहीं मिला, लेकिन इसमें किसी और पार्टी को, कांग्रेस को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो उनको उनका जो है 100 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी है 240 सीट पा चुकी है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि निश्चित रूप से जो पिछले 5-6 महीने में जो मोदी की गारंटी के हिसाब से विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम किया, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हुआ, गुजरात में जिस तरीके से हुआ, और भी क्षेत्रों में, उड़ीसा में भी आज बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है और आंध्र में भी एनडीए का घटक जो है उसकी सरकार बन गई है, अरुणाचल में बीजेपी की सरकार बन गई है। इस तरीके से जो सारे देश का जो नक्शा है वो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। इस कारण से हम इस बात को, उस बात की हमको बेहद खुशी है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की थी, जी तोड़ जो कोशिश की थी, उसका निश्चित रूप से फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इनके जो सिंघम रिटर्न है मिस्टर भूपेश बघेल जी, वो भी अपनी सीट फिर से नहीं बचा पाए। तो इस तरीके से जो इनकी स्थिति है, इतनी कमजोर है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, कि इनको यहाँ से अपनी बातों को छुपाने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए, यूपी में जो समाजवादी पार्टी ने जो मुस्लिम सांप्रदायिकता का जो प्रचार किया और जिस तरीके से संविधान बदल दिया जाएगा उसका जो भ्रम फैलाया और उसमें आरक्षण को लेकर के जो बातें कही, उसका जो कंफ्यूजन क्रिएट उन्होंने किया, उसके कारण उनकी ये सीटें आई हैं। और निश्चित रूप से हम चाहते थे कि यूपी में जो तो वास्तविक जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमारे मुद्दे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने
पिछले 10 साल में अपना पूरा काम किया है, चाहे वो शौचालय निर्माण हो, चाहे आवास निर्माण हो, घर घर पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे देश की इकोनॉमी को जो है 11वें नंबर से उठा करके 5वें नंबर में लाने का मामला हो, ऐसे तमाम चीजें हैं। 50,000 किलोमीटर सड़क बनाया, रेलवे ट्रैक बनाया गया, बड़े बड़े टनल बनाए गए, तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाए गए। अच्छा ये बताइए, ठीक है, योजनाओं पर जनता ने मुहर लगा दी, मुझे केवल ये बताइए, बीजेपी ने इस चुनाव को इतना ऐतिहासिक लड़ा कि हम 500 साल के इतिहास का जिक्र किया कि भगवान राम, मतलब ये स्लोगन लाइन चलाई गई कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ऐसे फिर सारी चीजें उसी प्रदेश में सबसे कम सीटें 14 में आप लोग जहां 70 पार हो गए, 19 में थोड़ा सीट कम हुई लेकिन खराब नहीं, 60 पार हो गए, और अलायंस जो था आपका वो 65 तक पहुंचा, 73 65 और फिर अभी आधे आधे पे मामला आ गया है, 35 36 या 37 ऐसा कुछ फिगर वहां पर अभी चल रहा है, मतलब 50-50 पे पूरा मामला है। तो ये भी तो एक सोचने वाला विषय है ना कि जिस राज्य के भरोसे सबसे ज्यादा थे उसने इतनी कम सीटें क्यों दी, फैक्टर है उसमें, बहुत सारे फैक्टर है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, वो जो कारण बने हैं उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि अभी अभी ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अभी पूरा 3-4 साल का समय जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, योगी जी के लिए बाकी है, तो निश्चित रूप से जो खून बने हैं, जो कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति इन्होंने फैलाई है नीचे मतदाताओं के बीच में, उसको ठीक किया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम यूपी को भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ पुनः आकर्षित करेंगे, पुनः जो हमारी स्थिति थी उसको पुनः पाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी परेश जी ने कितना लंबा विश्लेषण कर हमें दिखाया कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी इंडिया गठबंधन ने, तो परेश जी कहीं ना कहीं खुद मोदी जी के ऊपर टिक मार्क कर रहे हैं कि जो इनको फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, जो विश्व गुरु बनाने चले थे और बड़े विश्व जगत में प्रख्यात हुआ करते थे, वो छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट जो हुआ है उसको खत्म नहीं कर पाए। गजब के ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, गजब के अमित शाह जी है, जब जीत जाते थे तब तो तथाकथित चाणक्य कहला देते थे। माननीय, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया और सनातन धर्म से रिलेटेड और राजनीतिक प्रश्न किया कि आखिर जो राम को लाए हैं वो खुद क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि सच्चाई इस सनातन धर्म की यह है जो हजारों हजार वर्ष पुराना है कि राम भी जब आए थे तो स्वयं ही आए थे, और हमें और आपको लाने वाले भी ही राम हैं। जो राम को कोई नहीं ला सकता, राम तो प्रकाट्य है, राम तो सिर्फ सिर्फ उत्सर्जित है, राम इस सृष्टि के रचयिता है, इसलिए श्री राम, प्रभु राम भगवान ने उनको यह बता दिया कि राजनीतिक दंगल में, राजनीतिक अखाड़े में अगर आप राम का नाम गलत तरीके से प्रयोग कर देंगे तो क्या हालत हो जाएगी, वो यूपी ने साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने बता दिया। और अभी मैंने परेश जी से ये कहा ना कि मजबूत विपक्ष, मजबूत पक्ष होना इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन परेश जी का दिल देखिए, परेश जी की राजनीति करने की क्षमता देखिए कि उनने वो 400 पार का नारा ही डिलीट कर दिया, और कई तो इनके ऐसे कार्यकर्ता है जो सुबह से 400 पार लिखे थे सोशल मीडिया पे, उसको तुरंत डिलीट कर दिया, 400 पार की बात ही नहीं कर रहे। और आपने कहा कि मोदी जी एनडीए जो है, एनडीए गठबंधन, वो बहुमत के आंकड़े से पार कर गई है। अभी मैंने कहा थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1 घंटे की बात और है, फिर देखते हैं कि कौन कितना तय करता है और कौन कितना तय नहीं करता है। अगर वो तय कर गए हैं तो आदरणीय अमित शाह जी बार बार सबको फोन क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा सा अमित शाह जी से पूछ लीजिए, आदरणीय जेपी नड्डा जी तनाव में युक्त क्यों आ रहे हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ साथ राजनाथ सिंह जी बैठक क्यों कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी मीडिया के समक्ष क्यों नहीं आ रहे हैं। पिछली बार तो सन 2019 में आदरणीय अमित शाह जी तो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए थे। तो इस प्रकार की भ्रमवाद की राजनीति अब इस समय भी अगर परेश जी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे निम्न राजनीति कुछ नहीं हो सकती। जो धर्म पढ़ाए राजनीति है वह हिंदुस्तान में चलती है, लेकिन अगर राजनीति में धर्म आ जाता है तो मैं समझता हूं जो हालत आज बीजेपी की हुई है, जो हालत आज एनडीए की हुई है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई जनता जनार्दन ने दिखा दी है। ठीक है अंशुल जी, क्योंकि 14 और 19 के मुकाबले में ये परफॉर्मेंस अब तक की विपक्ष की सबसे बेटर कही जाएगी, 14 और 19 के मुकाबले में। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता के करीब आप भी नहीं है, अभी जो आपका मैंडेट है वो है 2-3-1, जो आपका मैंडेट बिल्कुल सही का।
हाँ, जिसके बिल्कुल आपने सही कहा जी, तो यहां बिल्कुल से आपने सही जादुई कहा आंकड़ा सर पहुंचेगा, कम से कम 41 सीटें आपको और चाहिए, तो आप सर बिल्कुल आपने सही बिल्कुल तो ये जी, तो आपने तो बिल्कुल सही कहा और मैंने इस बात को हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि इस चुनाव को ये याद रखा जाएगा कि विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और विपक्ष ने जो हमारे पास चीजें आ रही है कि नकारात्मक निगेटिव राजनीति के बजाय आप लोगों ने इसको पकड़ के रखा, इस चुनाव को छोड़ा नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा और के लिए स्लोगन हाँ, कुछ ऐसे चल रहे थे कि अब कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है, इतिहास में रह जाएगी ये पार्टी, अब खत्म करने का समय, मतलब ऐसी चीजें चल रही थी। बिल्कुल, मैं आपको अगर थोड़ा सा आज राजनीति के परे बात करना चाहूं तो यह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा ही नहीं, यह तो चुनाव लड़ा है जनता जनार्दन और खिलाफ में लड़ा है, बीजेपी और एनडीए के खिलाफ में लड़ा है। और आपने अभी एक प्रश्न कहा कि आप जादुई आंकड़े के आसपास अभी नहीं है, मैंने इस बात को अभी तक यह नहीं कहा कि हम सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वह बात अलग है कि हमें पूर्णतः विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हम सरकार अवश्य बनाएंगे, लेकिन इस मूमेंट तक, इस वक्त तक आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जीत हुई है, पार्टियां तो जीतती है, मान्यवर बहुत सारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, पार्टियां खूब जीतेंगी, हम जीतेंगे, आज हम जीतेंगे, कल हम हारेंगे, हार जीत चलती रहेगी, लेकिन आज दिनांक में जो व्यक्तिवाद की राजनीति होती थी कि मोदी की गारंटी की गारंटी की गारंटी, मोदी कौन है सर? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है जो बीजेपी से उत्सर्जित प्रधानमंत्री है, इसको स्वयं बीजेपी भूल गई थी। तो आज जो व्यक्तिवाद की राजनीति है, जो आज जो अधिनायकवाद की राजनीति है, वो इस समय तक जो 4:30-5 बज रहे हैं, इस समय तक मैं समझता हूं ये समाप्त हो चुकी है। ये लोकतंत्र की जीत हुई है, ये जनता जनार्दन की 125 करोड़ देशवासियों की जीत हुई है, ये उन बेरोजगार युवाओं की जीत हुई है जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये उन गरीबों की जीत हुई है जो आज राशन लेने के लिए लाइन पर लगे हुए, आज ऐसी महिलाओं के साथ जीत हुई है जिन महिलाओं को अछूता कर दिया गया था, आज उन लोगों की हार हुई है जिसमें देश का 72% पैसा सिर्फ 3% लोगों के पास है, इन लोगों की हार हुई है और इन लोगों की जीत है, अभी पार्टियां नहीं जीती हैं, अब पार्टियां जीतने वाली हैं, और मेरा पूरा वादा है, हार हुई है मिश्रा जी, लेकिन करारी हार नहीं हुई है, जैसे आपको जीत मिली है तो बड़ी जीत नहीं मिली है, बीजेपी को हार मिली है तो करारी हार नहीं मिली है, बीजेपी गेम में है वही, और आप गेम से पूरी तरह से बाहर नहीं है, मतलब मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं परेश जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये कुछ याद दिला रहा है 90s के जमाने की, मतलब नरसिम्हा राव सरकार के बाद में कुछ ऐसी जो स्थिति बनती थी वैसी मिलीजुली सरकार हो सकता है देखने को मिले। बात मैं जवाब दे रहा हूँ इसका, बहुत बहुत उम्दा प्रश्न निकल कर आया, लोकतांत्रिक प्रश्न निकल कर आया कि आपने कहा कि करारी हार नहीं हुई है और बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है, मैं भी इस बात को 100% मानता हूं, लेकिन किसी की तो हार हुई है, जो 400 पार का नारा करते थे, जो संविधान बदलने की बात करते थे, जो आरक्षण समाप्त करने की बात करते थे, उनकी सबसे पहले हार हुई है, और जो जनता जनार्दन के मुद्दों की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, जो संस्कारधानी की बात करते थे और जो अहंकारधानी की बात करते थे, उसमें एक धुरी तो बनकर आ चुकी है इन चुनाव नतीजों से। तो मैं यह कहता हूं कि लोकतंत्र की, जनता जनार्दन की, 125 करोड़ देशवासियों की जीत हुई है और अधिनायकवाद की, व्यक्तिवाद की हार हुई है, और इस देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां रहेंगी वो कहीं ना कहीं तो गेम में रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं गेम में रहेंगी, ये तो हमें और आपको भी पता है, क्योंकि राजनीति जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, तो अनिश्चितता एक घंटे में क्या होने वाला है ये परेश जी को पता है, मुझे भी पता है, परेश जी बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव, और इस पर एक रिएक्शन आपसे ये मैं चाहूंगा, एक बेहतर परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ ने दे दिया, मध्य प्रदेश ने दे दिया, अपेक्षाकृत गुजरात ने भी अच्छा ही है, लेकिन जो अन्य जगह है, हालांकि कई ऐसे क्षेत्र जहां पर आपका पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था वहां पर आपने बेहतर कर दिया, उड़ीसा अच्छा किया है आप लोगों ने नो डाउट, और उम्मीद से बढ़कर काम किया, तो और साउथ में भी, केरल में फिलहाल 2 सीट पे अभी आंकड़े हमारे पास आ रहे थे, लेकिन यूपी बहुत ज्यादा डाउन चला गया, और पश्चिम बंगाल में आप पिछली बार से भी कम सीटें इस बार जीते हैं। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है हमारे आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता जी की बातचीत से, जो लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम नाम जवाब देता हूँ यहाँ पर हुआ ही नहीं,
इसलिए जो है वो राम यहाँ पर हैं ही नहीं, वो आज स्तुति कर रहे हैं राम भगवान की। खैर अच्छी बात है, खुशी की बात है, मानना भी चाहिए। दूसरी बात ये बोल रहे थे कि ये संविधान बदलने वाले थे, ये आरक्षण खत्म करने वाले थे, ये तो इनका काम है, ये कर रहे हैं, ये करते रहे हैं। इन्होंने संविधान को लगभग 80 बार यहाँ पर अमेंडमेंट किया, साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इन्होंने बदला, 75 इन्होंने इमरजेंसी लगाई, इन्होंने चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया, इन्होंने चंद्रशेखर जी को धोखा दिया। इनका इतिहास तो पूरा गठबंधन में धोखे का है, इनका इंडी गठबंधन चलने वाला नहीं है। देखिए एक महीने के अंदर सारे इंडी गठबंधन जो है सब टुकड़े टुकड़े हो जाने वाले हैं। इस कारण से ये सपना देखना बंद करें, और आपको ये बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो वादे हमने जनता के साथ किए हैं, जो तीसरे कार्यकाल में जो हमको तीसरे सबसे ज्यादा पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो हमको हिंदुस्तान का बनाना है, जो बाकी काम करना है, निश्चित रूप से हम उस काम को करेंगे। इस कारण से कांग्रेस अगर इसी में खुश है कि वो 99 सीट ले आई है, तो हमेशा ये 99 सीट में ही रहे, आने वाले 3-4 चुनाव में ऐसे ही रहे। हमें हमें इस बात की खुशी है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा चलिए, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं अंशुल जी, बोलिए। आपकी बधाई परेश जी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, और वही कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दी। आपको थोड़ी सी जानकारी का अभाव है परेश जी। माननीय 150 सांसद कांग्रेस द्वारा गए हुए थे, आपके पास कोई नेता नहीं था टिकट देने के लिए मान्यवर। तो मैं यह कह रहा हूं कि आज हमें और आपको लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र की बढ़वारी करने की, आमादा करने की जरूरत है, आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही एक, कि हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम अपने देश को ले गए। लेकिन वही यूपी का व्यक्ति, वही हिंदुस्तान का व्यक्ति, वही हिंदुस्तान का युवा जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5वीं अर्थव्यवस्था पर सुनकर जब खुश हो जाता है, मैं भी खुश हो जाता हूं, लेकिन वह पीछे प्रश्न करता है ना मान्यवर, कि जो 250 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, 5 ट्रिलियन तो आपने पहुंचाई बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जो 250 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, जो 5 ट्रिलियन x2 हो जाता है, उसका क्या? उसके बारे में तो बीजेपी का कोई प्रवक्ता जवाब नहीं देता। हाँ, और आपने एक राम मंदिर, राम भगवान को लेकर एक एफिडेविट की बात जरूर कही थी, तो एक एफिडेविट मैं भी आपको याद दिला देता हूँ। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक आयोग बनाया गया था, जिस आयोग का एफिडेविट आज भी सुप्रीम कोर्ट में डला हुआ है। उसमें कहा है कि श्रीलंका से केरल तक जाने का जो राम सेतु है, वह हिंदुस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसमें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिग्नेचर है, और उनके जो मंत्री हैं उनके भी सिग्नेचर हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि बीजेपी राम मंदिर को लेकर कितना प्यार करती है, और बीजेपी राम सेतु को लेकर कितना प्यार करती है। आपने फिर वही राजनीतिक दंगल में राम भगवान को खींच कर लाएंगे, तो अभी जो 295 है, अभी आधे घंटे बाद देखेंगे तो 200 पर पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, छोटा भ्राता हूँ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। मैं एक बात, अरे 5 बजे आप अगर 12 बजे ये बात बोलते ना, तो हम लोग मान लेते हैं। पांडे जी, पांडे जी, चलिए चलिए, मैं धन्यवाद करूंगा दोनों दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को। सर सर समय समाप्त हो चुका है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा अंशुल जी का, परेश जी का, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।